हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन की है। अब आपके बोर्ड एग्जाम में ही एक क्वेश्चन पूछा गया है, पहले ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिएगा ये क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है गिवन गिवन एल इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट से देखने से लगता है कि ये क्या है, ये एक लिस्ट है। ठीक है, तो लिस्ट है तो लिस्ट जो है यहाँ पे बनी हुई है और लिस्ट में ऑर्डर तो मैटर नहीं करता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि पहले 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और कहा गया है द आउटपुट ऑफ प्रिंट एल माइनस 2, यानी माइनस से इंडेक्सिंग करवाई गई है। तो अब पूछा गया है ना, अब इसमें ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, हालांकि इसमें ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 6, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है एरर, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 3। तो इसमें क्या आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, एरर आएगा या 3 आएगा, तो इसको चलिए समझते हैं। तो देखिए नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा राइट साइड से स्टार्ट होती है, तो यहां से राइट साइड से स्टार्ट होकर लेफ्ट साइड तक चलती है। तो यहां देखिए ये अगर बोले तो इसको माइनस 1 कहेंगे और इसको कहेंगे माइनस 2, ठीक है। तो यहां पर तो सीधा सीधा आंसर आपको दिखाई दे रहा है, माइनस 2 पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसका आंसर 5 ही आएगा। अब इसको एक बार प्रोग्राम में चला करके देखने की जरूरत है कि क्या जो मैंने बताया वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस पर एक बार चेक करते हैं, यहाँ पाइथन ओपन कर लेता हूं मैं, पाइथन की जो भी आईडीई है उस पर आप इसे चला करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको चलाते हैं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहां से हम एक जैसी लिस्ट दी गई है, एल एल नाम से लिस्ट दी गई है, तो उसी को हम क्रिएट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही दिया गया है, तो जो दिया गया वो लिख लिया हमने। अब एंटर करते हैं, यहां पर प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट करवाएंगे तो यहां पर प्रिंट क्या करवाएंगे, तो L को प्रिंट करवाएंगे और L माइनस 2 प्रिंट करवाएंगे, और निश्चित तौर पर 5 ही प्रिंट होगा। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चित रहिए। देखिए कैसे, यहां पर F5 करता हूं, इसको सेव करता हूं, ठीक है, .py रहेगा, ठीक है, एंटर करेंगे और एंटर करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं 5 आ रहा है। तो इंडेक्सिंग ऐसे ही होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग ऐसे ही होती है। अब यहां पर अगर माइनस 1 कर दिया गया होता तब क्या होता, तो माइनस 1 किया गया होता तब इसका 6 आता। देखिए यहां पे 6 आ रहा है कि नहीं, तो यहां पे देखिए 6 आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे आप आउटपुट प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है, ओके।